गाइस वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल आदित्य दिस साइड। सो दोस्तों, जब भी हम कोई नया डॉग लेते हैं, कोई नया पपी अपने घर लाते हैं, तो सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होता है उनका खाना। उनके खाने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी, उनका पूरा लाइफस्टाइल कैसे रहेगा, उनका कोट कैसा रहेगा, उनके बोन्स कैसे डेवलप होंगे, उनकी बॉडी कैसी रहेगी। जैसे कि ह्यूमंस के साथ होता है, ह्यूमंस को अगर अच्छा खासा खाना मिले तो वो काफ़ी हेल्दी और तगड़े हट्टे कट्टे होते हैं, और अच्छी तरीके से खाना ना मिले, पूरा प्रोटीन वगैरह ना मिले, तो वो काफ़ी कमज़ोर से रहते हैं। तो वैसे ही डॉग्स के साथ होता है। तो जो पेट ओनर्स, जो डॉग ओनर्स अपने डॉग को बाहर का खाना देते हैं, मतलब पैकेज्ड फूड जो आता है ख़रीदा हुआ, मतलब जैसे कि पेडिग्री वगैरह होते हैं, तो वो फूड अगर डॉग को देते हैं अपने, तो उसमें भी बहुत सी अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीनियर फूड हो गया, अडल्ट फूड हो गया, पपी फूड हो गया, और छोटे बच्चों के लिए मदर और पपी फूड भी आता है, तो वैसे कुछ फूड हो गए। तो अब बात आती है कि इसमें से कौन सा लेना चाहिए और किस एज ग्रुप में लेना चाहिए। तो बहुत से लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि डॉग बड़ा हो रहा है और उसको प्रोटीन वगैरह की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन्स, कैल्शियम, मीट वगैरह की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। खैर, जो लोग घर का खाना देते हैं, हम भी अपने डॉग को घर का खाना देते हैं, तो उसमें भी कुछ विटामिन्स और मिनरल्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि कैल्शियम वगैरह और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो ऐड करनी पड़ती है अलग से, क्योंकि पूरा नहीं मिल पाता उनको घर के खाने के ज़रिए। सो गाइज, आज हम एक ऐसे डॉग प्रोडक्ट को टेस्ट करने वाले हैं, एक ऐसे डॉग फूड को टेस्ट करने वाले हैं जिसमें कुछ खास बातें हैं जो उसको सभी डॉग फूड से अलग बनाता है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी वो है कि वो सभी डॉग्स के लिए एक ही डॉग फूड है, और इसमें कोई अलग अलग कैटेगरीज़ नहीं है जैसे कि पेडिग्री वगैरह में होते हैं, जैसे कि पपीज़ के लिए अलग, अडल्ट के लिए अलग और सीनियर के लिए अलग। तो ये रहा वो डॉग फूड जो कि गुडनेस कंपनी का ग्रेन फ्री डॉग फूड है, और इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं कि इसे किस तरीके से दूसरे डॉग फूड से अलग बनाया गया है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल में। तो जो सबसे पहले चीज़ हम नोटिस करते हैं वो ये है कि ये पूरी तरीके से ग्रेन फ्री है, और जो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की हुई है वो है कि इसमें नो एडिड ग्रेन, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है, और उसके बाद इसमें स्वीट पोटैटो भी है। और नीचे आते हैं तो देखते हैं कि इसमें मेड विद 55% फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोल्ट्री एंड फिश, जो कि इसमें भी लिखा हुआ है कि 80% इसमें पोल्ट्री और फिश वगैरह, मतलब हाई मीट कंटेंट है इसमें। और इसमें ओमेगा 3 जैसे सप्लीमेंट्स भी है, एडेड ओमेगा 3, एडेड जॉइंट सपोर्ट, एडेड हर्ब्स एंड बोटानिकल्स, नो एडेड आर्टिफिशियल कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, जो कि इसको काफ़ी अच्छा बनाता है। सो गाइज, ये तो हमने देखा कि ये ग्रेन फ्री गुडनेस कंपनी का डॉग फूड जो है वो किस तरीके से दूसरे डॉग फूड से अलग है, लेकिन ये जो चीज़ें हाईलाइट की गई थी ये तो आगे आगे दिखाती है, लेकिन पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसमें वो भी देखते हैं। सो इसके पीछे जो कॉम्पोजिशन में हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड चिकन 36%, ड्राइड चिकन 22%, स्वीट पोटैटो भी है जो कि आगे भी मेंशन किया गया था, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड टर्की 11%, पोटैटो भी अलग से है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सामन, मतलब इसमें आपको बहुत सी अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं जैसे कि चिकन, टर्की, सामन वगैरह, फ़िश भी है जो कि ओमेगा 3 का काफ़ी अच्छा सोर्स है। सो इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, चिकन स्टॉक, ड्राइड डक, पी फाइबर, सैमन ऑयल, ड्राइड एग, मिनरल्स, विटामिन्स, लिनसीड, ड्राइड एप्पल, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो गाइज, इतना कुछ तो हमने सुन लिया इसके बारे में कि इसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं और क्या क्या इंग्रीडियंट्स हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हाईली मीट कंटेंट। सो अब टाइम आता है कि इस प्रोडक्ट को टेस्ट करें और ये हम अपने डॉग्स को खिलाएंगे और देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। खैर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हाई मीट कंटेंट, उसे देख के तो मुझे लग रहा है कि हमारे डॉग्स को ये काफ़ी पसंद आने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं ये डॉग फूड। Thank you.
सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि ये गुडनेस कंपनी का ग्रेन फ्री डॉग फूड हमारे डॉग्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और मुझे तो खैर लग रहा है कि मैं शायद ये डॉग फूड यूज़ करूँ आगे फ्यूचर में, क्योंकि इसमें जो जो लिखा हुआ है कि ये बोन्स के लिए अच्छे हैं, इसमें हाई मीट कंटेंट है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस, मुझे इस डॉग फूड की एक और चीज़ जो है वो सबसे खास लगी, वो ये है कि इसमें सभी डॉग्स के लिए एक ही डॉग फूड है, मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज नहीं है इसमें कि सीनियर के लिए एक है, एडल्ट के लिए एक है, और पपीज़ के लिए एक है, और या फिर जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर और सेंट बर्नार्ड जैसी डॉग ब्रीड्स के लिए अलग है, ये सभी डॉग्स के लिए एक है। हाँ, बस वेट पे डिफरेंस पता करना पड़ता है कि वेट के हिसाब से इतना देना चाहिए और वेट के हिसाब से उतना देना चाहिए, बाकी एज के हिसाब से कोई मैटर नहीं करता। तो आपका डॉग अगर सीनियर है या फिर आप पपी फूड है तो आप ये अपने डॉग को दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि ये गुडनेस कंपनी का डॉग फूड हमारे डॉग्स को कितना ज़्यादा पसंद आया, और शायद मैं आगे भी इसको यूज़ करूँ। तो अगर आप ये अपने डॉग के लिए भी लेना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में बाय लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके ये डॉग फूड खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, तो आप एक बार ज़रूर उनको चेकआउट करिएगा। उम्मीद करते हैं आपके डॉग को ये पसंद आए। थैंक यू।